मैंने रिसेंटली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया देख लिया है एंड उसका मैं एक प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ कि ये मूवी अच्छी है, देखने लायक है या नहीं है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग कुछ पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात करते हैं इस मूवी के रिलेटेड। तो ये मूवी एक लाइट हार्टेड कॉमेडिक थ्रिलर एक्शन मूवी है। तो ये मूवी फैमिली के साथ जाके देखने के लिए भी अच्छा है और टाइम पास के देखने के लिए भी अच्छा है। अगर आप एक ट्रू सिनेफाइल हो जिनको मूवी के अंदर एकदम प्रॉपर डिटेल्स वगैरह पसंद है तो प्लीज मत देखना ये मूवी, आप लोग को बहुत हर्टफुल लगेगा ये मूवी। पर अगर आप एक कट्टर मार्वल फैन हो तो आपको पक्का ये मूवी देखना चाहिए क्योंकि ये एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को प्रॉपरली सेटअप करता है। एंड भाई जॉनथन मेजर्स भैनचोद क्या काम किया है इस मूवी में भाई। हर सीन में बंदे ने बवाल मचा के रखा है भाई। और ये मूवी हम लोग को समझा देता है कि कैंग कितना बड़ा डेंजरस विलन है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर। हालांकि वो बात अलग है कि कैंग जैसा विलन एंटमैन की मूवी में डिजर्व नहीं करता है, वो कोई बड़े प्रोजेक्ट में ज्यादा डिजर्व करता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस मूवी। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि राइटिंग इज मिड एज फक ब्रो। लिटरली कैसी लैंग और होप की जो राइटिंग थी वो बहुत बेकार थी, लिटरल चुच चुकी थी। लिटरली मूवी का नाम है एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटमेनिया और उसमें वास्प के ही कम सीन्स है। एंड ऑब्वियसली मार्वल है तो वेस्टेड पोटेंशियल भी तो रहेगा। स्पॉइलर्स अहेड, तो मैं बात कर रहा हूँ मोडॉक के बारे में। भाई मोडॉक जैसा कैरेक्टर अच्छा था, मतलब ठीक था ये कैरेक्टर, नॉट एज गुड एज लाइक कॉमिक्स में जैसा था, ठीक ठाक था, मिड था थोड़ा, बट लिटरली वेस्टेड पोटेंशियल था भाई। तो अगर ओवरऑल मेरा ओपिनियन रहेगा तो ये मूवी वॉज लाइक 7 out of 10। बिकॉज लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर थी जो 8.5 थी भाई। इट वॉज सच अ ग्रेट मूवी लिटरली। ये ऐसा भी मूवी नहीं है कि एकदम घटिया है, मतलब ये स्टिल एक होप देता है हम लोग क्योंकि मार्वल में अभी भी दम है। तो भाई लोग यहाँ तक आ ही गए तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस रेकमेंड होते रहे हर जब भी मैं वीडियो डालूं। पर अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय। जड़ इंसान ने कार्टिस को देते हैं मान और सम्मान, क्या करोट मेरे टीम में मैं छोटा कोहान। सुपर सेंट टू व्हेन अ शो गोस ऑन सलमा जिन बूथ यू मॉन्च के सो ऑन दिस पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज इंपॉर्टेंट सो लिसन आई एम टेलिंग यू समथिंग आई एम नॉट इवन दिस इन दिस।